आज के टाइम में हम सभी को रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, बिल्कुल रियलिज्म पर काम करना है। बट आप उस रियलिज्म को तब तक अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आपको शेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो अगर आपको शेडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अपने पोर्ट्रेट्स में रियल इफेक्ट नहीं ला पा रहे, तो सबसे पहले शेडिंग के बारे में समझो। एंड उसके लिए पहले पोर्ट्रेट्स छोड़कर बेसिक शेप्स में शेड करो, स्टिल लाइफ ड्रॉ करो, ऑब्जेक्ट्स में शेड करो, बिकॉज उससे आपको टोनल वैल्यूज के बारे में आइडिया मिलेगा, आप लाइट्स एंड शेडोज को समझ पाओगे। आई नो आपको सीधा पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, बट ये मत बोलो कि आपने भी पहले ABCD सीखा एंड उसके बाद आपको पता चला कि वर्ड्स क्या होते हैं एंड सेंटेंस क्या होते हैं। एंड ये ध्यान रहे कि अभी ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ब्लेंडिंग सेकंड स्टेप है एंड फर्स्ट स्टेप शेडिंग है। तो आपको शेडिंग ही बिल्कुल स्मूथ करना है। मेक श्योर आपके शेडिंग में कोई भी बीच में गैप्स ना हो, बिकॉज आप जितना स्मूथली रेंडरिंग करोगे आपको ब्लेंडिंग भी उतना ही स्मूथ मिलेगा। तो शेडिंग के टाइम अच्छे से डार्कर एंड लाइटर वैल्यूज को समझो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से टाइम लगाओ। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप टोनल वैल्यूज के बारे में समझ गए, उस दिन आप किसी भी टेक्निक से किसी भी पोर्ट्रेट में बिल्कुल रियलिस्टिक शेडिंग कर पाओगे।